jai hind and good morning my dear children welcome back to our online hindi class today we are going to start our new lesson lesson 13 Kesa puraskar in this lesson we discussed about gopal krishna gokhale today we are going to discuss a small incident that had happened in gopal krishna gokhale's childhood और इन स्कूल लाइफ प्लीज लिजन माय डियर चिल्ड्रन गोपाल कृष्ण गोखले इज ए हॉनस मैन टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ एंड हॉनस डियर चिल्ड्रन प्लीज लिजन कैसा पुरस्कार पार्ट तीन कैसा पुरस्कार अध्यापक जी गणित का सवाल समाचार है दे गोपाल कृष्ण बेड़े ध्यान से सुन रहा था छुट्टी होने वाली दी बच्चे घर जाने की जल्दी में थे इसलिए उनका ध्यान सवालों की तरफ नहीं था तफी अध्यापक जी ने कहा ये दस प्रश्न गृह कार्य के लिए है मैं सोमवार को सबकी कॉपियां देखूंगा। सब प्रश्न सही सही हल करने लेना प्लीज लिसन माय डियर चिल्ड्रन कैसा पुरस्कार अध्यापक जी गणित का सवाल समझा रहे थे द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द मैथमेटिक्स क्वेश्चन अध्यापक जी मीन्स टीचर गणित मीन्स मैथमेटिक्स द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द मैथमेटिक्स क्वेश्चन गोपाल कृष्ण बेडे ध्यान से सुन रहा था गोपाल कृष्ण हियर गोपाल कृष्ण और गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहा था गोपाल कृष्णवास लिसनिंग वेरी केयरफुली छुट्टी होने वाली थी बच्चे घर जाने की जल्दी में दे छुट्टी मीन्स हॉलीडे हॉलीडेज छुट्टी होने वाली थी बच्चे घर जाने की जल्दी में दे दैट मीन्स वाट इट वॉज गोइंग टू बी ए हॉलीडे ऑल किड्स वेयर इन ए हरी टू गो टू होम इज क्लियर इसलिए उसका ध्यान सवालों की तरफ नहीं था दैट्स वाई द स्टूडेंट्स द किड्स अटेंशन वॉज नोट टूवर्स द क्वेश्चन तफी अध्यापक जी ने कहा ये दस प्रश्न गृह के लिए है गृह कार्य मीन्स होमवर्क गृह के लिए है डियर चिल्ड्रन अध्यापक जी ने क्या कहा अध्यापक जी ने कहा ये दस प्रश्न गृह के लिए है मैं सोमवार को सबकी कॉपियां देखूंगा सब प्रश्न सही सही हल करके Hal lana. That means, teacher said these 10 questions are for homework. I will check all the, all the copies on Monday. Somavar means Monday. Solve all the questions correctly. Is it clear, my dear children? Once again, please listen. The teacher was explaining the mathematics questions. Gopal Krishna was listening very carefully it was going to be a holiday all kids were in a hurry to go to home that's why his his attention was not towards the questions then the teacher said these 10 questions are for homework i will check all the copies on monday solve all the questions correctly is it clear my dear children please लुक एट द सेकेंड पैराग्राफ गोपाल घर पहुंचा खाना खाया और गृह कार्य करने बैठ गया उसने जल्दी ही आठ प्रश्न हल कर लिए नवे प्रश्न में कुछ अधिक समय लगा और दसवा तो निगला ही नहीं गोपाल ने बहुत कोशिश की फिर हार कर उसे छोड़ दिया उसने सोचा ये प्रश्न अध्यापक जी से ही समझ लूँगा दूसरे दिन रविवार दा गोपाल के चचेरे फाई उसके घर आए वे बड़े कक्ष में पढ़ते थे गोपाल ने उनसे प्रश्न समझाने को कहा फाई ने तुरंत उसे हल कर दिया गोपाल ने कॉपी पर उतार लिया पर समझा नहीं क्योंकि फाई के पास समझाने का समय ना था गोपाल घर पहुंचा खाना खाया और गृह कार्य करने बैठ गया घर मीन्स हाउस गृह कार्य मीन्स होमवर्क गोपाल घर पहुंचा खाना खाया और गृह कार्य करने बैठ गया गोबल रीच्ड होम हैड डिनर एंड सैट डाउन टू तो डू होमवर्क उसने जल्दी ही आठ प्रश्न हल कर लिए नवे प्रश्न में कुछ अधिक समय लगा और दसवां तो निकला ही नहीं गोबल रीच्ड होम हैड डिनर एंड सेट डाउन टू तो डू होमवर्क ही क्यूकिट क्वेश्चन जल्दी मींस क्यूकिली प्रश्न मींस क्वेश्चन उसने जल्दी ही आठ प्रश्न हल कर लिया क्यूकी सॉल्व एट क्वेश्चन नौवे प्रश्न में कुछ अधिक समय लगा और दसवें तो निकला ही नहीं दैट मीन्स व नाइन्थ क्वेश्चन टुक सम मोर टाइम एंड द टेंथ

गोपाल ट्राइड हार्ड कोशिश मीन्स प्रयत्न गोपाल ट्राइड हार्ड फिर हार कर उसे छोड़ दिया उसने सोचा यह प्रश्न अध्यापक जी से ही समझ लूंगा दैट मीन्स वॉट प्लीज लिसन माइ डियर चिल्ड्रेन देन ही गेव अपन लेफ्ट हिम ही थॉट आई विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ओनली फ्राम माई टीचर इज इट क्लियर I didn't know how to solve this question. So he thought I will understand this question only from my teacher. Okay. Doosare din arevi Gopal ki chacheri fai. Uske skhar aaye. din arevi That means what? The second day was Sunday. Arevi var Sunday. Soma Monday. The second day was संडे, रविवार संडे सो गोपाल चचेरे फाई मीन कसीन ब्रदर गोपाल कम टू हिस हाउस वे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे। गोपाल ने उनसे प्रश्न समचाने को कहा वे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे। दैट मीन वाट गोपाल ब्रदर

क्योंकि फाई के पास का समय न था प्लीज लिसन ब्रदर सोल्ड इट इमीडिएटली गोपाल टुक इट डाउन ऑन द कॉपी बट डिड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज द ब्रदर डिड नॉट हैव अ टाइम टू एक्सप्लेन इज इट क्लियर माय डियर चिल्ड्रन वंस मोर प्लीज लिसन गोपाल रीच्ड होम हॉम फुल टू पैराग्राफ प्लीज लिसन गोपाल रीच्ड होम हैड डिनर and sat down to do homework he quickly solved eight questions the ninth question took some more time and the tenth one he didn't know how to solve it okay gobal tried hard then he understood that as yes, I, I am not able to do it properly he thought i will understand this question only from my teacher the second day was sunday gobal's cousin came to his house he used to study in a big class higher class gopal gopal asked him to explain the question brother solved it immediately but one problem he is a cousin brother is studying in higher class so he is not able to explain it properly why because he did not have much time to explain it

केवल गोपाल ने ही अपना हाथ उड़ाया उसने सब सवाल किए दफी टीक दे अध्यापक जी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने गोपाल की पीठ ठोकी। वे बोले गोपाल के लिए सब तालियां बचाए गोपाल ए लो अपना पुरस्कार गोपाल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाए वह बोला गुरु जी मुझे अ इनाम लेने का कोई अधिकार नहीं मैंने एक प्रश्न स्वयं नहीं किया मेरे फाई ने किया है मैंने तो उसे केवल कॉपी पर उतरा ही है ठीक से समझा फ़ी नहीं सच कहता हूँ मैम अब फिर एक प्रश्न हल नहीं कर सकता इतना कहते कहते गोपाल की आंखों में आंसू आ गए वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा अध्यापक गोपाल की बात सुनकर गए वे बोले गोपाल तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ हाँ मुझे तुम पर गर्व है ऐ पुरस्कार अब भी तुम्हारा है अब यह तुम्हारी ईमानदारी के लिए है सोमवार को अध्यापक जी ने सबसे पूछा कि कौन कौन प्रश्न करने लाया है सोमवार मीन्स मंडे ऑन मंडे द टीचर आस्क्ड एवरी वन हु हैड ब्रॉट दम बाय आस्किंग ऑल टेन क्वेश्चन हु आर ऑल डन इट प्रॉपरली हम देखी केवल गोपाल ने ही अपना हाथ उड़ायाट एम इन कॉपीज़ ओनली गोपाल सब सवाल किए दे और सफी टीक दे सवाल means क्वेश्चन उसने सब सवाल किए दे और सफी टीक दे दैट means व्हाट ही ऑल द आंसर्स आर करेक्ट इ्स इट क्लियर माई डियर चिल्ड्रेन अध्यापक जी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने गोपाल की पीठ ढोखी वे बोले गोपाल के लिए सब तालियां बजाए तालियां मीन्स टू क्लैप तालियां बजाए गोपाल एक लो अपना पुरस्कार पुरस्कार मीन्स वर्ट पुरस्कार मीन्स फ्टस प्लीज लिजन माई डियर चिल्ड्रेन टीचर लुक ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑल आर फाइन एंड करेक्ट द टीचर वॉज वेरी हैप्पी ही टर्न गोपाल बैग ही से आंसर्स आंसर्स आर करेक्ट गोपाल गोपाल टेक दिस यूर अवार्ड तुमने जो कुछ किया एसेप्ट ख दे अध्यापक जी बहुत प्रसन्न हुए प्रसन्न मीन्स खुशी टीचर सो हैप्पी उन्होंने गोपाल की पी डो की वे बोले गोपाल के लिए सब तालियां बजाइए प्लीज क्लैप माई डियर चिल्ड्रेन वॉट आर आर द टेन क्वेश्चन गोपाल डन ऑल क्वेश्चन आर वेरी करेक्ट गोपाल ऐलो अपना पुरस्कार देन। गेव गिफ्ट फॉर गोपाल गोपाल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाई गोपाल ने हाथ आगे नहीं अब अध्यापक जी ने क्या कहा अध्यापक जी ने कहा गोपाल वॉट आर ऑल यू डन ऑल क्वेश्चन आर करेक्ट सो आई वांट टू गिव वन गिफ्ट फॉर यू एट दैट टाइम गोपाल अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाई गोपाल

आई हैव नो राइट टू टेक दिस रिवार इस क्लियर माई डियर चिल्ड्रन मैंने एक प्रश्न स्वयं नहीं किया मेरे भाई ने किया दैन गोपाल ने कहा गुरु जी वन क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन आई डि नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन सो माई ब्रदर हेल्प मी टू फाइंड द आंसर इस इट क्लियर गोपाल ने अपने गुरुजी से कहा गुरुजी आई डिड नो हाउ टू सॉल्व टेंथ क्वेश्चन माई ब्रदर राइट एंड माई ब्रदर हेल्प मी टू राइट टेंथ क्वेश्चन मैंने अ प्रश्न स्वयं नहीं किया मेरे भाई ने किया मैंने तो उसे केवल कॉपी कर उतारा ही है ठीक से समझा फी नहीं आई हैव ओनली इट आई हैव ओनली पुट इट ऑन द copy. Did not even अंडरस्टैंड इट properly. इज इट क्लियर गोपाल ने कहा आई गेव ओनली पुट it ऑन दैट क्वेश्चन ओनली copy मी Did not even नो आई didn't नो डिंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली इतना कहते कहते गोपाल की आंखों में आंसू आगे आंख मीन्स आइस आंसू मीन्स टियस इतना कहते कहते गोपाल की आंखों में आंसू आगे ये वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा टू बी हॉनस आई स्टिल कौन सॉल्व दिस क्वेश्चन

अब फिर प्रश्न हल नहीं कर सकता आई आई डि नो इवन अंडरस्टूड इट प्रॉपरली एंड हाउ टू सॉल्व इट प्रॉपरली आई डिड नो इतना कहते कहते गोपाल की आंखों में आंसू आ गई कहते समय गोपाल की आंखों में आंसू फरा वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा He stood लुकिंग डाउन प्लीज़ लिसन माय डियर चिल्ड्रन लास्ट पैराग्राफ अध्यापक गोपाल की बात सुनकर दंग रह गए वे बोले गोपाल तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ हाँ मुझे तुम पर गर्व है ये पुरस्कार अब भी तुम्हारा है अब यह तुम्हारी ईमानदारी के लिए है प्लीज़ लेजन अध्यापक गोपाल की बात सुनकर डंग रह गए द टीचर वॉज सन टू हियर गोपाल वे बोले वे बोले गोपाल तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ ही सेट गोपाल आई एम वेरी हैप्पी विथ यूर सच्चाई सच्चाई मीन्स ट्रूथ ईमानदारी मीन्स होनेस्टी

This award for you, for what is for your honesty. As the teacher was standing to hear Gopal's words, he said, "Gopal, I am very happy with your truth and honesty, as I am proud of you, Gopal. This award is still yours. Now it's for your honesty, the gift of your honesty." Dear children, our today's class is over. Please read your textbook thoroughly. Thank you.